हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अपने चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूं गाइस। आई होप गाइस आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज हम आपके लिए रीडिंग लेकर आए हैं कि जुलाई मंथ में आपके लिए क्या खुशियां आ रही हैं, क्योंकि एक बड़ी शिफ्ट आ रही है। इस वजह से मैं देखना चाहती हूं कि आपकी लाइफ में क्या क्या जो है चेंजेस आएंगे। आपके हम लव लाइफ के बारे में देखेंगे, जॉब करियर के बारे में देखेंगे कि आपकी लाइफ में आ क्या रहा है। ठीक है, तो अभी हम देखने वाले हैं कि जुलाई मंथ में अचानक से आपकी लाइफ में क्या कुछ होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कई घरों की प्लेसमेंट जो है चेंज हो रही है। ठीक है, तो उसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम देखेंगे। एक बड़ी शिफ्ट से हम गुजर रहे हैं। अभी ये 2 वीक तो बहुत ही लकी रहने वाले हैं, क्योंकि इसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ ना कुछ तो जो है बड़ी शिफ्ट सबके लिए आ रही है। तो मुझे चेक करना चाहिए कि जुलाई मंथ आपके लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं जुलाई मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है। और वैसे भी ये स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लकी रहने वाला है, क्योंकि मून की प्लेसमेंट चेंज हो रही है। तो स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत ही लकी है, ये बहुत ज़्यादा लकी है। इस दौरान भी अगर स्कॉर्पियो अपने आप में नहीं संभलेंगे तो ये मौका हाथ से निकल सकता है। बहुत ही अच्छी बात है कि ये खुशियाँ उनके लिए आ रही हैं। स्कॉर्पियो के लिए तो बहुत ही बेटर है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या आ रहा है इस जुलाई मंथ में। एंजल्स प्लीज़ गाइड मी, जुलाई मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है, जुलाई मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है, जुलाई मंथ में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ सोर्ड्स। तो गाइज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी लंबे टाइम से परेशानी से जूझ रहे थे। आपके लव लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। आप अपने जॉब करियर में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही सैड की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लोग आपके आगे निकल गए, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। लोगों का प्रमोशन हो गया लेकिन आप वहीं के वहीं खड़े हैं। आपका रिलेशनशिप जो है ठीक नहीं चल रहा है, सब मज़े ले रहे हैं, सब मज़े कर रहे हैं। आप इतना हार्डवर्क करते हैं, इतना प्लानिंग करते हैं, लेकिन फिर भी आपका कोई काम सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। तो गाइज़ अभी जुलाई मंथ आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है। और आपकी लव लाइफ़ की बात करूँ तो यहाँ पर जो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लव लाइफ में अभी जो भ्रम था, जो इल्यूजन्स थे आप दोनों के बीच में, जिसमें ट्रैप फील कर रहे थे, वो सब ईगो के कारण हो रहा था। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अगर ईगो छोड़ देंगे या फिर आपके कोई एडिक्शन है वो छोड़ देंगे तो आपके लिए ये बेटर है। जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा आएगा। अभी आप दोनों पार्टनर बहुत ही खुश रहने वाले हैं ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। डिवाइन एंजल्स यही कह रहे हैं कि आप मेडिटेशन करिए, और मेडिटेशन करके आप जो है अपनी इनर पावर्स को जानिए, और जिससे क्या होगा कि आप दूसरों को भी गाइडेंस दे सकेंगे, आप दूसरों के लिए एग्जाम्पलरी बनेंगे। और लोगों को आप जितना गाइडेंस देंगे उतना ही आपके लिए बेटर है। अपनी सेल्फ की डिस्कवरी करिए मेडिटेशन करके, और दूसरों को दिशा दिखाइए। आप अभी लाइट में आने वाले हैं ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरों के लिए आप एग्जाम्पलरी बनने वाले हैं, तो आप अपने ऊपर वर्क करिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा टाइम है। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे आपको अभी जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना चाहिए, आपको बहुत बेनिफिट देगा गाइस। ठीक है, और आप अपने रिलेशनशिप को भी ठीक कर सकेंगे। अभी तक जो है आपकी लव लाइफ में आपको प्रॉब्लम चल रही थी, आपके बड़ों से आपकी नहीं बन रही थी, उनमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, तो वो बड़े भी आपके तरफ आएंगे और वो सब कुछ सेटल हो जाएगा। आपके और उनके बीच की जो दूरियाँ थी, आपके और उनके बीच के जो मनमुटाव थे, वो सब खत्म हो जाएंगे ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और गाइज मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि आप अभी तक बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना करके चलिए। आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, आपके कोई हेल्थ इशू हैं तो वो स्ट्रेस की वजह से हैं। यहाँ पर जितना स्ट्रेस आप ले रहे हैं उतने ही आपके हेल्थ इशू बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइज बताया जा रहा है कि आप स्ट्रेस को कम करिए और किसी से हेल्प लेकर के वर्क करिए। आप काफ़ी लंबे टाइम से वेट कर रहे थे कि मेरा पैसा कहीं अटका हुआ है, मैं बहुत हार्डवर्क कर रहा हूँ, मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप एफर्ट्स लगाइए। ठीक है, और जितना आप इन्वेस्ट करेंगे, जितना आप एफर्ट्स लगाएंगे उतना ही आपको रिवार्ड मिलेगा फ्यूचर में। और पेशेंस रख करके चलिए,
ये थोड़ा टाइम रेस्ट का भी है और फ्यूचर के लिए प्लानिंग करिए ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट देकर जाएगा। अननेसेसरी वरीज़ हैं उनको दूर कर दीजिए, जो आप मेहनत करेंगे उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है गाइस कि आपको जो भी काम करना है ना उसमें प्लानिंग के साथ में आगे बढ़िए, क्योंकि बिना प्लानिंग के तो हम सक्सेसफुल हो नहीं सकते हैं। इसलिए केयरफुली आप प्लानिंग करिए, फिर एक्शन लीजिए, और जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आपको किसी को बताना नहीं है। आपको अपने काम पर अटेंशन देना है, परफेक्ट टाइम का वेट करना है। गार्जियन एंजल्स सभी आपको देख रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप काफ़ी लॉयल हैं, डेडिकेटेड हैं। ठीक है, इसलिए आप अपने वर्क पर जो है फोकस्ड रहिए। एंजल्स यहाँ पर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो उन्होंने आपका हाथ पकड़ रखा है। आप जितने उदास हैं, जितने निराश हैं कि मेरा हार्ट ब्रेक हो गया है या मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, तो आप पास्ट को लेट गो कर दीजिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ करिए। ठीक है, ये चैलेंजिंग टाइम है, ये ख़त्म हो जाएगा। आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। मैंने बताया था कि अभी बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है, ये 2 वीक तो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि इसमें तो बहुत कुछ चेंज हो जाएगा आपकी लाइफ का। ठीक है, यहाँ पर मुझे गाइस दिखाई दे रहा है कि जुलाई मंथ आपके लिए बहुत ही लकी रहने वाला है। आपकी लाइफ में सक्सेस आएगी, जॉय आएगी, हैप्पीनेस आएगा, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप उनको ग्रैब करिए, आगे बढ़िए, लेकिन डिवाइन का ग्रेटिट्यूड जरूर करिए। ये सन का कार्ड है, खुशियों को दिखाता है, तो जो मैजिकल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है उसको ग्रैब करिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपको ब्रिलियंट सक्सेस मिलेगी गाइज। आप हो सकता है ट्रैवल भी कर लें, अपने किसी जॉब से रिलेटेड या वैसे आप ट्रैवल करना चाहें तो ट्रैवल भी कर सकते हैं। अभी इस टाइम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे आप, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, और अभी आपको आज़ादी है, जो भी आप करना चाहते हैं काम वो कर सकते हैं, और आप अपने ऊपर प्राउड फील करेंगे कि मैंने ये सब कुछ किया है। देखो, क्योंकि अभी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो पहले आप उदास थे, निराश थे, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था, तो हर तरह से आपको सक्सेस मिलेगी, ब्रिलियंट सक्सेस आपके सामने आ रही है। ये बहुत खुशियों का टाइम है। अभी आप जितना स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे, जितना आप अपने वर्क पर फोकस्ड रहेंगे, जितना आप हार्ड वर्क करेंगे, जितना आप अपने ऊपर वर्क करेंगे, अपने काम पर ध्यान देंगे, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस कि आप, ये भी कहा जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, कि आप अपने रिसोर्सेज को मैनेज करके चलिए। शायद आपको ये नहीं पता कि मुझे किस साइड में बढ़ना है, किस पर वर्क करना है, किस पर वर्क नहीं करना है। मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं ये भी करना चाहता हूँ, मैं वो भी करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। जो आप करना चाहते हैं उसको वाइजली चूज करिए और उसके ऊपर वर्क करिए। अगर आपको किसी को मनी देनी है या किसी से रिसीव करनी है तो आप ध्यान से करिए। ठीक है, स्मार्ट बिजनेस डिसीजन लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, और आप दान भी करिए। जितना आप कमाते हैं उसमें से कुछ अंश दान भी करना शुरू करिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है, तो ये जुलाई मंथ आपके लिए वास्तव में ही खुशियाँ लेकर आ रहा है गाइस। अभी हम देख लेते हैं और आपके लिए क्या आ रहा है। अभी जिन्होंने भी आपके साथ चीटिंग की थी वो सब आपके सामने आ जाएगी। जो धोखा किया था, चीटिंग की थी, वो सब आपके सामने आएगा और आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, 2-2, 3-3 कार्ड बता रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ेंगे और आपको बढ़ना भी चाहिए। 7 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। देखिए, फिर से 7 नंबर आ गया। देखिए गाइस, 777 आपकी विश फुलफिल होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7 नंबर आपके लिए बहुत ही लकी हो सकता है। आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ में एक नई शुरुआत करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 यानी कि अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करिए। आपको अपने थ्रोट चक्र पर वर्क करने की ज़रूरत है। आप अभी तक जो है डर रहे थे, घबरा रहे थे कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, आपको फियर ने घेर रखा था, तो आप उनसे बाहर निकलिए। देखिए, यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है, आपको यूनिवर्स की पूरी सपोर्ट मिल रही है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे मैंने बताया था कि ग्रो की प्लेसमेंट की वजह से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंज आ रहे हैं, तो गाइज आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में अभी बहुत बड़े चेंजेस आएंगे। अभी तक जिसने भी आपको वेटिंग मोड पर रख रखा था ना, वो खुद ही आ रहे हैं आपकी तरफ। देखिए, विक्ट्री, वो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अभी उनका धोखा, जो दुश्मनी उन्होंने निभाई थी, वो सब आगे आ रही है। आप पेशेंस रखिए, सब कुछ बेटर हो जाएगा। देखिए गाइस, वेरी नाइस, न्यू बिगनिंग, आपकी एक न्यू बिगनिंग होगी।
तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ रहे हैं। वाओ ट्रुथ, मैंने बताया था यहाँ पर भी डिसेप्शन और एनवी सामने आएंगे, सब धोखाधड़ी जो भी की थी, ट्रुथ सामने आएगी, अब उनकी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि आपने बहुत बर्दाश्त किया है, अभी आपका टाइम है कि आपको न्याय मिले, तो जस्टिस तो ज़रूर होगा। मूविंग ऑन, आप मूव ऑन करने की सोच रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, वो आपसे एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। देखिए उनका आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं वो आपसे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ेगी, क्योंकि मैंने बताया था यहाँ पे मेडिटेशन करिए, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़िए, दो दो तीन तीन कार्ड आए थे, तो आपके अंदर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आएगी अभी, ठीक है। चलिए दूसरे डेक से देख लेते हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी गाइस, खुश हो जाइए, अब तो बहुत दिन रो लिए आप, बहुत दिन दुखी हो लिए, अभी खुशियाँ खुशियाँ आएंगी, विक्ट्री आप ही की होगी, क्योंकि जस्टिस मिलेगा आपको, 100% पॉसिबिलिटी है आपको ही आपकी मंजिल मिलेगी। एक्शन, वो आपकी तरफ एक्शन लेने वाली हैं आपके पार्टनर। देखिए वाओ, डोंट टू वैल्यू, अभी आपको कीमत समझ में आ गई उनको, और वो आपको स्टेबल बनाएंगे, ठीक है। अभी तूफान उठ रहा है उनके दिल में, ठीक है, जो ये तूफान अभी आपकी लाइफ में उठा था वो शांत हो जाएगा, लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सब कुछ बेटर होगा। एंजल ऑफ लव, एंजल आपको सपोर्ट कर रहे हैं गाइस। देखिए यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर रहा है कि अभी आपकी लाइफ बेटर हो जाए, ठीक है। चलिए और देखते हैं, जुलाई मंथ में आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही है, आपके रीयूनियन हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक होगा प्यार में, अभी तक हुआ नहीं था, वो इक्वल गिव एंड टेक आपको देखने को मिलेगा। क्वीन ऑफ कप्स, वेरी नाइस, आपके पार्टनर जो हैं आपको प्यार देंगे, ढेर सारा प्यार देंगे, ठीक है। अभी क्लैरिटी मिल जाएगी उनको, जो अभी तक क्लैरिटी नहीं थी उनको कि ये रिलेशनशिप कहाँ जा रहा है, क्योंकि हो सकता है उनकी फैमिली ने उनको उल्टे सीधे कान भर रखे हों। और यहाँ पर देखिए बहुत खुश रहने वाले हैं आप, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में, अभी आप बहुत अच्छे से फील करेंगे, बहुत खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा खुशी फील करेंगे आप, ठीक है। चलिए ट्रू लव ओरेकल डेक से भी हम एक दो कार्ड निकाल के देखते हैं कि और आपके पार्टनर का क्या जो है एक्शन है, क्या चाहते हैं वो आपसे, क्योंकि बहुत ही बड़ी शिफ्ट से गुजर रहे हैं हम। देखिए डिवाइन फेमिनिन है आप उनकी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपके प्रति, वो आपको डेटिंग क्वीन देखते हैं, वो आपको डेट पर ले जाना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखिए इंटीमेसी, वो आपके साथ में इंटीमेट होना चाहते हैं, वो आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये। देखिए कमिटमेंट, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं गाइस, देखिए वेरी नाइस, वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। मैंने बताया था रीयूनियन होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है चेंजेस आ रही हैं, आप डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा क्या होगा, लेकिन आपकी तरफ खुशी आ रही है, लव आ रहा है गाइस, देखिए लव प्यार आ रहा है आपकी तरफ, आपको बहुत शांति मिलने वाली है। अभी तक तो आपकी लाइफ में इतना उथल पुथल मच रहा था, आपकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन अभी प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, पीस आएगी आपकी लाइफ में, हारमनी आएगी, आपके पार्टनर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपका रीयूनियन होगा, आपको जॉब कैरियर में तरक्की मिलेगी, आपकी हर लाइफ के एरिया में आपको खुशखबरी मिलने वाली है। तो जुलाई मंथ आपके लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है गाइस, आप इन खुशियों को जाने मत दीजिए, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।